विक्रम, मेरा सवाल। किसी नगर में कोई बहुत बड़े व्यापारी घनश्याम जी रहा करते थे। उनके बहुत सारे व्यापार थे। उन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर सारे व्यापार को अकेले ही संभाला। घनश्याम जी के 4 पुत्र थे। एक समय आया जब घनश्याम जी बूढ़े हो गए और उनके पुत्रों ने उनसे संपत्ति का हिस्सा मांगा। घनश्याम जी कहते हैं, किसने पहले से अभी तक क्या क्या काम किए हैं वे सभी बताएं, उस हिसाब से मैं संपत्ति का हिस्सा करूंगा। पहला पुत्र कहता है, जब भी आप व्यापार करते थे और भोजन नहीं कर पाते थे, मैं आपको भोजन बांध कर लाता था। दूसरा पुत्र कहता है, मैं छोटे भाइयों की देखभाल करता था। तीसरा पुत्र कहता है, घर में जब भी कोई बीमार पड़ता था, दूसरे नगर से वैद्य को मैं ही लेकर आता था। चौथा पुत्र चुप रहता है। तुम चुप क्यों हो? तुमने भी तो घर के लिए कई काम किए हैं। नहीं, मैंने किसी के लिए कोई काम नहीं किए। सभी पुत्रों के सुनने के बाद घनश्याम जी सारे व्यापार चौथे पुत्र को सौंप देते हैं और बाकी 3 पुत्रों को धन दे देते हैं। तो बता विक्रम, घनश्याम जी ने ये कैसा संपत्ति का हिस्सा किया? तो सुन बेताल, घनश्याम जी ने घर के लिए किए गए काम पूछा था, लेकिन उनके 3 पुत्रों ने जो काम बताए वे काम नहीं, उनके कर्तव्य थे। ये कर्तव्य चौथे पुत्र ने भी किए थे, जिन्हें उसने उन कर्तव्यों को काम नहीं समझा। कर्तव्यों के बदले संपत्ति दी जाती है और काम के बदले केवल धन दिया जाता है। इसलिए घनश्याम जी ने सारी संपत्ति चौथे पुत्र को दी और बाकी पुत्रों को धन दे दिया। सही जवाब विक्रम। तसन विक्रम, मेरा सवाल। 2 मित्र वासु और जीवा जंगल से जा रहे होते हैं। वासु को एक हीरा मिलता है। फिर तो यहाँ और भी हीरे होंगे। बहुत देर ढूंढने के बाद वासु को एक और हीरा मिल जाता है और अंधेरा भी हो जाता है। इन्हें हम महाराज को सौंप देते हैं। मूर्ख हो क्या, एक एक हीरा बांट लेते हैं। तुम इनकी कीमत जानते भी हो? जितनी बड़ी कीमत उतनी बड़ी समस्या। लालच मत करो, ये अंतिम बार है। इसके बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, दोनों हीरे तुम ही रख लो। जीवा अगली सुबह फिर वही हीरे ढूंढने जाता है। तभी महाराज के सैनिक उसे पकड़कर महल ले आते हैं। इस व्यापारी पर एक जंगली हाथी ने हमला कर दिया था, जिससे इसके कुछ हीरे वहाँ गिर गए थे। मुझे वहाँ एक ही हीरा मिला था, जो कि यह है। 2 और हीरे कहाँ हैं? नहीं, मुझे केवल एक हीरा मिला था। महाराज, इसे कुछ कोड़े मारी जाएं, अभी सच बता देगा। मुझे केवल 2 हीरे मिले थे। तीसरा हीरा कहाँ है? आप मेरे मित्र वासु से पूछ लें। वासु को महल बुलवाया जाता है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, हम कुछ दिनों से मिले ही नहीं। तो बता विक्रम, वासु तो जीवा का मित्र था, तो उसने सच बोलकर उसे क्यों नहीं बचाया? तो सुन बेटाल, वासु ने जीवा को समझाया भी था लालच मत करना, लेकिन जीवा ने कहा यह अंतिम बार है, अब वह लालच नहीं करेगा। वासु ने जीवा को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि जीवा को की गई गलती पर एक बार सबक जरूर मिलना चाहिए। जिस तरह से जीवा अपनी कही बात से मुकर गया, वैसे ही वासु भी अपनी बात से मुकर गया। और वो तीसरा हीरा? जीवा झूठ बोल रहा था। उससे सच उगलवाने के लिए महाराज के मंत्री ने 3 हीरे गुमने की बात रखी। तीसरा हीरा तो था ही नहीं। सही जवाब है।